हेलो दोस्तों, दिस इज़ करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी सा यूनिक सा ब्रेकफास्ट जो है ब्रेड उपमा। क्यों ना सर्दी पड़ती है सुबह सुबह, तो ये ब्रेकफास्ट इतना ही ज़्यादा डिलीशियस है और इतना जल्दी बन जाता है। उसको बनाने के लिए ना एक पैन में मैंने डाला है 3 चम्मच के करीब घी। आप चाहे तो तेल या फिर बटर का यूज़ कर सकते हैं। घी को डालने के बाद जब घी हल्का गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे हम राई। तो हमारी राई जब अच्छे से तड़क जाए, तो यहाँ पे ना हमारी राई एकदम अच्छे से तड़क गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छे से चला लेने के बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को डालने के बाद भी हम एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे। तो प्याज को चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो इन तीनों को डालकर हम एक बार इन तीनों को अच्छे से चला लेना है 15 से 20 सेकेंड तक। इनको अच्छे से चला लेने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो अब ना हम इसमें नमक और मिर्ची ऐड करेंगे। तो नमक मिर्ची आप अपने पसंद अनुसार कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इनको ना डालने के बाद हमें एक बार और अच्छे से कर लेना है मिक्स, और इनको ना सॉफ़्ट होने तक हमें ढक्कन देकर पकने देना है। तो एक तरफ ये पक रहे हैं, सॉफ़्ट हो रहे हैं, तब तक दूसरी तरफ मैंने लिए ब्रेड्स। तो ब्रेड्स को ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। जिस तरह से मैं यहाँ पर हाथ से तोड़ रही हूँ, उसी तरह से आपको तोड़ने हैं। तो हमने एक तरफ ब्रेड तोड़ ली, तो दूसरी तरफ हमारी सब्जियां भी यहाँ पे सॉफ्ट हो गई है। तो अब ना एक बार इनको भी अच्छे से चला लेते हैं। चलाने के बाद ना हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप को ओपन करके हमें इसमें डाल देना है। तो डालने के बाद कर देना है अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद ना हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला ना होने पर सिर्फ मैगी मसाला डाल सकते हैं, और मैगी मसाला भी ना होने पर आप सिर्फ नॉर्मल मसालों से बना सकते हैं। तो अब ना मिक्स करने के बाद डालेंगे हमारी ब्रेड। तो ब्रेड को डाल देने के बाद हमें कर लेना है इसे अच्छे से मिक्स। एकदम मसाले में ना ये एकदम मिक्स ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो अब ना मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ना मेरे को ये सूखा सूखा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा और केचप इसमें डाल दिया, और डालने के बाद ना मैंने कर दिया इसे अच्छे से मिक्स। तो अब ना एकदम परफेक्ट ब्रेड उपमा बनकर तैयार है। लेकिन थोड़े और इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें ऐड करने हैं और ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए इसको। तो अब ना हम इसमें डालेंगे, हमारा हरा धनिया नहीं होता तो मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया, और हरे धनिया को डालने के बाद कर दिया अच्छे से मिक्स। अब डालेंगे हम इसमें भुजिया। भुजिया ना होने पर सेव का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसको भी कर दिया अच्छे से मिक्स। तो अब ना हमारा गर्मा गर्म सर्दियों के लिए परफेक्ट ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है, जो कि बहुत कम समय में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन गया, ये तो आपको भी पता है। तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ना ये जो ब्रेकफास्ट मैंने बनाया ना ब्रेड उपमा वाला, ये आपको कैसा लगा। और एक बार ट्राई ज़रूर से करें, अपने लिए अपने बच्चों के लिए ज़रूर से बनाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।